आज देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आयोजित भारत बंद के चलते कुरुक्षेत्र में रेल सेवा भी पूरी तरह प्रभावित हुई। सुबह 7:45 बजे प्रयागराज से चंडीगढ़ तक जाने वाली उंचाहार एक्सप्रेस को कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। कुरुक्षेत्र में ट्रेन को रोकने के बाद उसके यात्रियों को कुरुक्षेत्र उतार दिया गया, जिसके बाद इन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। यात्रियों का हंगामा देख रेलवे कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे, उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन यात्री मानने को तैयार नहीं थे। यात्रियों का कहना था कि जब सरकार को पहले से ही पता था कि किसानों द्वारा भारत बंद किया जाएगा तो उन्हें पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे। सुबह 7:45 बजे से उंचाहार एक्सप्रेस अब भी कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर खड़ी है। ट्रेन में सवार सभी यात्री प्लेटफार्म नंबर 1 पर अन्य ट्रेन के इंतजार में है। इनमें से अधिकांश यात्रियों ने अम्बाला रेलवे स्टेशन तक जाना है तो किसी ने चंडीगढ़, जहां से किसी ने वैष्णो देवी तो किसी ने अन्य रेलगाड़ियों द्वारा दूर दराज की यात्रा करनी है। ये गनीमत रही कि जब ये यात्री कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म पर इंतजार कर रहे थे, तभी गुरुद्वारे की सिख संगत प्रबंधक कमेटी द्वारा इन यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। इन्हें लंगर प्रसाद बांटा गया। अब संभावना जताई जा रही है कि करनाल रेलवे स्टेशन पर रोकी गई मालवा एक्सप्रेस से ही शाम 6 बजे के करीब ये यात्री अम्बाला की ओर रुख कर पाएंगे। वहीं रेलवे द्वारा इस ट्रेन में सवार यात्रियों को टिकट के भी पैसे रिफंड किए जा रहे हैं, ताकि वे इस ट्रेन के अलावा अन्य वैकल्पिक माध्यमों का प्रयोग कर अपने गंतव्यों की ओर पहुंच सके। गौरतलब है कि आज भारत बंद के चलते कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर उंचाहार एक्सप्रेस के अलावा केवल गीता जयंती एक्सप्रेस ट्रेन ही कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर पहुंची। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के 12 घंटों के भारत बंद के दौरान अन्य किसी रेलगाड़ी के कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर आवागमन न होने के चलते जहां रेलवे को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा, वहीं रेल यात्रियों को 12 घंटे रेलवे प्लेटफार्म पर इंतजार करना पड़ा। रेलवे काउंटरों पर रेल यात्री पूछताछ करते, टिकट वापस करते और रिजर्वेशन करते दिखाई दिए।